क्लास फर्स्ट. दिस इज योर ईवीएस क्लास. सो ओपन योर ईवीएस बुक रेन फॉरेस्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 17. ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 60, चैप्टर 17. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन अवर डे. टुडे डेट इज 17th of November 2021. And the name of the chapter is Road Safety. क्या है chapter का नाम? Road Safety. Safety means क्या होता है? जो भी हम road में road पर जाते हुए, ठीक है, safety अपनाते हैं, मतलब road safety. जब हम road पर चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या safety अपनानी चाहिए. ठीक है, हमें start करते हैं. वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. ठीक है, शुड मीन्स होता चाहिए. ठीक है, इसमें क्या बोला गया, हमें रोड पर कुछ सेफ्टी रूल्स है जिनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट यू टेल मी, क्या आप जब रोड पे जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं या फिर जैसे हम खुद ही चले जाते हैं, तो आप लोग रोड पर सेफ्टी रूल्स अपनाते हैं? आपको पता है सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा. अगर नहीं पता है किसी को, तो मैं आपको इस चैप्टर के थ्रू हमको पता चल जाएगा. ठीक है, सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट. ठीक है, सेफ्टी रूल्स फर्स्ट हमको अपनाने क्यों चाहिए, पहले बताओ. सेफ्टी रूल्स क्यों अपनाने चाहिए हमें? सेफ्टी रूल्स हमको इसलिए अपनाने चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए. सेफ्टी रूल्स क्यों अपनानी चाहिए हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए? आपको बच्चों पता ही होगा कि कितने एक्सीडेंट होते हैं ना. आप देखेंगे कितने एक्सीडेंट होते हैं, वो किस वजह से होते हैं? केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से. ठीक है, तो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही की वजह से. ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी रूल्स हमें अपने क्यों अपनाने चाहिए? एक्सीडेंट से बचने के लिए. ठीक है, देयर आर सम रोड सेफ्टी रूल्स. ठीक है, हम इनको पढ़ते हैं. ये देखिए विद पिक्चर है. ऑलवेज वॉक ऑन ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड फुटपाथ. हमें ऑलवेज कहाँ चलना चाहिए? हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए. एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम चलते हैं. आपने देखा होगा रोड की साइड में एक ऊँचा सा थोड़ा बना रहता है, उसको फुटपाथ बोलते हैं. फुट मीन्स पैर, पाथ मीन्स होता है, फुट मीन्स होता है बच्चों पैर, पाथ मीन्स होता है रास्ता. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम फुटपाथ बोलते हैं. ठीक है, हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर. सेकंड है, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा आपने देखा होगा ना, जेड फॉर ज़ेब्रा आपने पढ़ा था छोटी क्लास में. तो ज़ेब्रा जो होती है उस पर किस तरीके की स्ट्राइप्स होती है? ज़ेब्रा पर होती है वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है ना, तो इसलिए इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ पहचान. ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं बनाया गया है कि ज़ेब्रा के उस पर होता है. मैं आपको अपनी तरफ से बस एक आइडेंटिफाई करने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, कि ज़ेब्रा इस तरीके से याद रखना, ज़ेब्रा मीन्स लाइंस कैसी होती है, ब्लैक और वाइट कलर की होती है रोड पर आप देखेंगे, तो उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. ठीक है, क्रॉस मीन्स पार करना. हम जब भी रोड क्रॉस करते हैं हमें कहाँ पर रोड क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पर बनाओ वहीं पर ही रोड वहाँ पर क्रॉस करनी चाहिए. ठीक है, बस स्टॉप. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस. क्यू मीन्स होता है लाइन, लाइन पंक्ति में. ठीक है, हम जब भी अगर बस का वेट कर रहे हैं तो हमें कहाँ कैसे खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल एक क्यू में खड़ा होना चाहिए. ये नहीं कि बस स्टैंड पीछे है, आप एक पीछे खड़ा है एक आगे खड़ा है, बिल्कुल रोड में खड़े हो गए आप, ऐसा नहीं. ठीक है, एक क्यू में खड़ा हो गया, आपको बस का वेट करना चाहिए. नेवर रन आफ्टर ए बस. कभी भी बस के पीछे नहीं भागना चाहिए. आपको पता होगा कुछ लोग होते हैं, और देखो कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं जब हम, एक मिनट बच्चों डिस्टर्बेंस हो रही है. क्या होता है, जब आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जैसे बस हमको, अगर बस पकड़नी हमको बस से जाना, तो क्या करते हैं? बस आगे निकल जाती है, लोग पीछे से भागते रहते हैं. उससे बेटा बहुत एक्सीडेंट होने का, मतलब एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. नहीं, एक्सीडेंट होता ही है. ठीक है, तो क्या लिखा है, नेवर रन आफ्टर ए बस. कभी भी बस के पीछे मत भागना. डोंट लीन आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल्स. ठीक है, कभी भी अगर
बस चल रही है तो हमको हाथ पर बाहर नहीं निकालने चाहिए। देखो क्यों नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि क्या है, एकदम से कोई भी दूसरा अगर गाड़ी वाड़ी आके या ट्रक व्रक आके हाथ पे लग जाएगी, ठीक है, हार्म हो जाएगा आपको, हर्ट हो जाएगा आपको, तो इसलिए कभी भी बाहर नहीं निकालने चाहिए। अब ये देखो, डोंट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस, कभी भी बस जो चलती हुई बस है कभी भी अंदर या बाहर ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने देखे होंगे बहुत से लोग होते क्या करते हैं, अगर उनको उतरना है तो वो बस स्टॉप का वेट नहीं करते, चलती बस बस में से कूद जाते हैं बीच में से, बस जैसी थोड़ी स्लो हो रही है ना तो क्या करते हैं वो जंप कर लेते हैं, इस तरीके से उतरते हैं। उनको पर पता नहीं होता कि एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे हमको चोट लग सकती है, ठीक है। तो कभी भी जब मूविंग बस होती है, चलती हुई बस होती है, उसे कभी भी अंदर बाहर ऐसे नहीं करना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ, ये गलत है, यहाँ पर आएगा रेड लाइट, ठीक है, इसमें ग्रीन काट लेना, ग्रीन नहीं आएगा रेड आएगा। इसमें लिखा है कि हमेशा जो रोड हमें कब क्रॉस करना चाहिए, रेड लाइट। आपको पता है ना तीन, आपको पता है ना तीन लाइट होती है जो हमारी सिग्नल होती है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, उस पर कितनी लाइट होती है, थ्री लाइट होती है। कौन कौन सी होती है, रेड येलो एंड ग्रीन, ठीक है। रेड लाइट क्या कहती है, स्टॉप। रेड लाइट क्या बोलती है, स्टॉप। तो स्टॉप मीन्स जैसे सारे के सारे अपने कहीं भी आप नोटिस करिएगा, फर्स्ट क्लास क्लास फर्स्ट आप नोटिस करिएगा, जब भी रेड लाइट होती है जिधर की तरफ तो क्या होता है, वहाँ की तरफ सारी की सारी जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब होती हैं क्या है, रुक जाती है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो रेड लाइट क्या बोलती है हमको, स्टॉप। येलो लाइट जो होती है, येलो लाइट क्या बोलती है, बी रेडी। येलो लाइट क्या बोलती है, बी रेडी, ठीक है। येलो लाइट जैसे आप देखेंगे ऑन हो जाता है, तो जितने भी जो व्हीकल्स हमारे जो स्टॉप हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंजन को ऑन कर लेते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए, ठीक है। और ग्रीन लाइट क्या कहती है, गो। ग्रीन लाइट क्या बोलती है कि आप स्टार्ट कर दो चलाना, ठीक है। आप ग्रीन लाइट होती है, क्या होती है, सारे के सारे व्हीकल्स स्टार्ट हो जाते हैं चलने, ठीक है। तो यहाँ पर रेड आएगा, तो इसलिए हमें हमेशा कब रोड क्रॉस करनी चाहिए, जब रेड लाइट हो, क्योंकि रेड लाइट होगी तो क्या होगा, सारे के सारे व्हीकल्स क्या होंगे, रुके रहेंगे, चलेंगे नहीं। तो इसलिए हमेशा जब रेड लाइट हो हमें तब रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेवर प्ले ऑन अ रोड, कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। क्या होता है मोस्टली कि जैसे अगर रोड खाली है तो क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोड है उस पर तो कभी भी व्हीकल्स कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी रोड पे हमें नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चों क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ, आप करेंगे आपको पहले तो 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे सेफ्टी रूल्स, अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है, फुटपाथ, मतलब जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं आपको उस पर आप अंडरलाइन करके लिखेंगे कॉपी पर, ठीक है। और आप क्या करेंगे, आप अपनी स्क्रैप बुक में या तो आप इसका फोटोकॉपी करके लगा लेना, प्रिंट आउट करके निकलवा लेना, या फिर आप चार्ट पेपर ले सकते हैं सेफ्टी रूल्स का, रोड सेफ्टी रूल्स का, ठीक है। तो आप उसको लेकर अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। आज बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कल हम ये करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया क्या करना है आपको, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है, ओके। आज बस इतना ही, थैंक यू।